तिलैया थाना अंतर्गत गांधी रोड के किनारे कुरियर दुकान से डकैती की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को गिरिडीह और कोडरमा एसपी को संयुक्त रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि विभिन्न जघन्य कांडों में आरोपित जमुआ के चरघरा का रहने वाला कुख्यात अपराधी पप्पू शर्मा गिरिडीह के आसपास छिप कर रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर उन्होंने खोरी महुआ एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह और कोडरमा पुलिस के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन कर चरघरा के आसपास छापामारी की और पप्पू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि पप्पू शर्मा के खिलाफ धनवार, बिरनी, इचाक, जमुआ, पचम्बा सहित कई थानों में मामले दर्ज हैं। कल सूचना प्राप्त हुई कि कोडरमा तिलैया में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद एक अभियुक्त जमुआ थाने में छिपा हुआ है, जमुआ थाना क्षेत्र में। और इसके बाद एसपी कोडरमा से और कोडरमा के अन्य पुलिस पदाधिकारियों से बात करके जिला गिरिडीह और कोडरमा की एक संयुक्त छापामारी टीम का गठन किया गया। और इस छापामारी टीम से कोडरमा के पदाधिकारी और गिरिडीह जिला के पदाधिकारी शामिल थे। रात संयुक्त छापामारी टीम के द्वारा जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चरघरा से एक व्यक्ति पप्पू शर्मा की गिरफ्तारी की गई। और इसके पास से सर्च करने पर एक देसी कट्टा और एक गोली की बरामदगी की गई है। इससे पूछताछ करने पर इन्हें बताया है कि पूर्व में ही ये कई घटनाओं में शामिल रहा है, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है। और किसी एक नए अप्रिय घटना को अंजाम देने की भी ये प्लानिंग कर रहा था। और पुलिस ने काफ़ी तत्परता पूर्वक और बेहतर ढंग से कार्य करते हुए इसे पकड़ा है। और हाल के ही दिनों में पुलिस सभी ऐसे अपराधी जो भी कहीं अपराध करके किसी अन्य सीमावर्ती जिलों में या उस जिले में भी छुपे हुए हैं, तो पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है और ऐसे सभी अपराधियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।